हेलो एवरीवन, गरिमा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव गरिमा। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ फैशन मेकअप से रिलेटेड। कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं, हमारे हेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बाल अच्छे बने होने चाहिए और हमारे बाल एकदम ऑयली नहीं होने चाहिए। जस्ट मतलब अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल आपको कितने ऑयली से और अजीब से दिख रहे हैं। तो मैं आज ये आपको बताऊँगी कि अगर आप ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर किसी का इसमें एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ड्राई शैम्पू मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ड्राई शैम्पू यूज़ करना अच्छा लगता है। हर किसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ लोगों को बहुत पसंद है। जैसे मैं कभी कभी इंस्टेंट हम लोग हेड वॉश नहीं कर पाते और हमें लगता है हमें कहीं जाना है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप फटाफट से ड्राई शैम्पू यूज़ करके भी एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। और तो फटाफट से इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज एक ड्राई शैम्पू का रिव्यू। तो मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ, उसके बारे में बता भी देती हूँ। तो ये जो आप ड्राई शैम्पू देख रहे हैं, ये है मैंने जो पहले मैं बता देती हूँ मैंने ये लिया कहाँ से है। ये आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये बैटिस्ट का ड्राई शैम्पू है और ये मुझे लग रहा है काफ़ी फेमस ड्राई शैम्पू है। बहुत सारे आपने इसके रिव्यूज़ भी देखे होंगे अब तक कि ड्राई शैम्पू में सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ इसी के हैं। पहले जो इसके रिव्यू थे, यानी पहले जैसे ये ड्राई शैम्पू आता था इसमें और अब जो ड्राई शैम्पू आता है उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले जो ड्राई शैम्पू आता था ना, उसमें ना कलर नहीं होता था, वो जब आप अप्लाई करते थे ना बाल एकदम सफ़ेद हो जाते थे। आपको बहुत देर तक उसको रब करके उसका जो वाइटनेस है उसको ख़त्म करना पड़ता था, वरना आपके जो बाल हैं अलग से वाइट वाइट दिखते थे ना, वो ग्रे हेयर कर देता था उसमें, क्योंकि वाइट कंटेंट था, मतलब जो पाउडर फॉर्म में होता है तो वो वाइट था। अभी ड्राई शैम्पू में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि वो भी आता है और अब आने लगे हैं कुछ कलर वाले। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो आउटर पैकेजिंग है उसमें भी देखो आपको कुछ कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर। तो ये वाला जो ड्राई शैम्पू है बैटिस्ट का, इंस्टेंट हेयर रिफ्रेश, इस पर लिखा हुआ है इंस्टेंट हेयर रिफ्रेश ड्राई शैम्पू प्लस विद अ हिंट ऑफ कलर डिवाइन डार्क। दैट मीन्स कि इसमें एक टच है कलर का, जो आप इसको अप्लाई करते हैं तो वाइट वाइट नहीं लगेगा। ये आपके जो बाल हैं उनमें आपके लगभग ब्राउन कलर का शेड है, तो आपके बालों में एकदम ऑब्जर्व हो जाएगा और वो अलग से नहीं दिखेगा जैसा कि पहले हुआ करता था। ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में कि बाल बहुत पतले हैं। अगर आपके बहुत थिन हेयर है ना तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। थिन हेयर है आपके, आपने हेड वॉश भी किया, आप इसको थोड़ा सा डाल लोगे ना तो बाल आपके थोड़े से वॉल्यूमाइज हो जाएंगे, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपके बालों में थोड़ा भी वॉल्यूम होता है तो आप देखते हैं बाल कितने अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये इसके यार सच में एडवांटेज है और मैं इसको पर्सनली यूज़ करी हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड भी कर सकती हूँ कि आप लोग इसको डेफिनेटली यूज़ करिए। इसमें जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप सिंपली आपके बाल, जैसे आपके बालों में ऑयल है, सपोज आपने हेड वॉश नहीं किया है तो आपने बस इसको स्प्रे करना है, थोड़ा सा रब करना है एंड यू आर रेडी टू गो। आप इसके बाद इसमें कॉम कर लीजिए और आपके बाल एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएंगे। ये शैम्पू की जो बॉटल है इसमें हमें छोटी एक मिनी बॉटल भी आती है। अगर आप नया है, मतलब नए यूज़र हैं इसके ड्राई शैम्पू के, आपने कभी यूज़ नहीं किया है, तो आप एक मिनी बॉटल के साथ भी पहले इसको ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप बिग बॉटल ले लीजिए। और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो भी सोचते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी मतलब इस ड्राई शैम्पू को लेके क्या राय है कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इफ़ेक्टिव है या नहीं अगर आप यूज़ कर चुके हैं तो। ठीक है, इस ये जो इसमें मेरे पास जो बॉटल है ये है 200 ml की, इसका जो वेट है वो 200 ml है। और इसका जो प्राइस है इस पर लिखा हुआ है 749, बट आई एम श्योर ये मुझे बहुत इससे तो कम में ही मिला है, तो लिंक मैं दे दूंगी, तो आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज अब मैं इसका आपको एक बार डेमो दिखा देती हूँ कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है और ये कैसा लगते हैं, मतलब ठीक है सिंपल है ये इसका, ये देख सकते हैं आप स्प्रे फॉर्म में दिया हुआ है, हमने सिर्फ स्प्रे करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हेयर आप ले सकते हैं, आप पार्टीशन करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप ये देखिए मैं इसको स्प्रे करती हूँ, ठीक है थोड़ा मैं ऊपर भी कर लेती हूँ। लुक इंस्टेंट आप देख सकते हैं बालों में एकदम वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर भी मैं करती हूँ, मैं ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे बाल इतना ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इतना ऑयली ऑयली हो रहे थे, तो वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी पहले यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं।
आप खुद ही इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, मैं इसको अप्लाई करती हूँ यहाँ, ठीक है। देखिए आप, कोई वाइटनेस तो नहीं है, मुझे तो कोई वाइटनेस इसमें दिखी नहीं है। अगर आपको दिख रही है तो आप बताइए, वाइटनेस तो कुछ नहीं है। मैं इसको अगर यूज़ कर रही हूँ देन देयर इज नो वाइटनेस। आप देखिए ये मैंने अच्छे से डाल लिया है। आप इसको ना यहाँ अंदर सेक्शंस में डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आपको ऑयल लगता है, ठीक है। अब आप मेरे मतलब खुद ही देख सकते हैं हेयर कैसे लग रहे हैं इस समय, आपको क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए, ड्राई शैम्पू मैंने डाला है, मैंने कोई कभी कोई कॉम नहीं किया, मैं कॉम कर भी नहीं रही। मैं अभी सिर्फ अपने हाथ से इसको थोड़ा सा सेटल कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा सेटल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो वाइट फॉर्म नहीं निकल रहा है। आप जो भी इसमें जो भी पाउडर फॉर्म जो भी निकल रही है, विच इज़ एक्चुअली अ ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर क्या है कि हमारे बालों में, हमारे बालों के जो शेड है उसे मैच करता है, इसलिए वो अलग से हाईलाइट हो ही नहीं रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड, और मुझे लग रहा है कि ज़रूर यूज़ में आएगा। भाई मैंने तो ये 3-4 बॉटल ऑलरेडी ख़त्म कर दी हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। जब से इसमें मुझे पता चला था ना कि इसमें कलर भी आता है, कि आप ब्राउन कलर ले सकते हो, उसके बाद तो मतलब बहुत चीज़ें ईजी हो गई। पहले वो जो वाइटनेस थी वो भी चली गई, क्योंकि अब आपके पास कलर फॉर्म में, और आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। तो ये देखिए बालों में कितना वॉल्यूम आ गया, आपके जो ऑयली हेयर हैं वो तुरंत ही आपके ऐसे हेयर हो जाएंगे एकदम ड्राई, और बहुत ही अच्छे, मतलब मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। ये देखो आप खुद ही देख लीजिए इसके रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरे हिसाब से एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप एक बार मिनी पैक मंगा के ट्राई कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो शैम्पू है वो आपको किसी भी ऑनलाइन, मतलब आप कहीं से ले सकते हैं साइट से, और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करो, काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। आप इसके साथ कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं अगर आपके बाल, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपके स्कैल्प पे कम वाले हैं, यानी मतलब आपके बहुत ज़्यादा थिन हेयर हैं, बहुत ज़्यादा थिन है, तो भी ये बहुत इफेक्टिव है। जहाँ पे ये जो गैप्स होते हैं, इसमें एक शेड और भी था, वो शायद मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा डार्कर था। अगर आप जैसे आपके जैसे ये देख रहे हो, आपके इस तरह से मांग है मेरी, तो यहाँ पे जो पार्टीशन हो रहा है, अगर किसी के जैसे यहाँ पर कम हेयर है, अगर वो इस तरीके से स्प्रे कर लेता है ना, तो उसकी ये जो खालीपन है ना, ये काफ़ी हद तक कवर दिखेगा, जस्ट बिकॉज कि जो इसका ड्राई शैम्पू का जो कलर है वो उस चीज़ को हाइड कर देगा, और आपका जो वो पोर्शन है वो एकदम कवर हो जाएगा। तो आपके जो बाल हैं वो अच्छे लगने लगेंगे, आपकी स्कैल्प नहीं दिखेगी, और जो खाली एरिया था, मतलब लगभग कि आपके बाल नहीं हैं तो वो जगह खाली गंदी दिख रही है, तो वो उससे कवर हो जाएगी उस कलर से, और वो काफ़ी इवन और अच्छा दिखेगा। और थिन हेयर के लिए भी एकदम ये बेस्ट है। बाकी तो आप इसको ड्राई शैम्पू की तरह यूज़ करो। ड्राई शैम्पू में बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप यही वाला ट्राई करो, मैं तो सिर्फ आपके साथ एक ड्राई शैम्पू का रिव्यू शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं ड्राई शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ड्राई शैम्पू का रिव्यू, क्योंकि ड्राई शैम्पू आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समटाइम्स हम लोग नहीं कर पाते हेड वॉश, तो हमें लगता है कि इंस्टेंट कुछ हो जाए, तो भाई इंस्टेंट के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, इंस्टेंट सोल्यूशन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपके बाल एकदम बढ़िया लगने लग जाए। और आप देख सकते हो ये मेरा लुक, अभी तक मैंने ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, मैंने एकदम अनकट वीडियो शूट किया है, इसमें मैंने कोई भी कुछ भी कट नहीं लिया है, मैंने डायरेक्ट वीडियो शूट किया है, और मैंने अभी तक कोई भी कॉम नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने हाथों का यूज़ किया, सिर्फ एक हाथ मारा, बाल सेट हैं, देख सकते हैं आप, परफेक्ट लग रहे हैं आप बाल, अब बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं आप, देख सकते हैं आप खुद ही कितने परफेक्ट लग रहे हैं, ऑयल वॉयल अब दिख भी नहीं रहा है। तो ये शैम्पू मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है, आई गेस आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट नो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे कॉमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियो से नोटिफाई रहें। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप इस शैम्पू को भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। सो देखो
इसमें कोई भी आपको वाइट कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने ये शैम्पू यूज़ किया, देखो बाल एकदम हो गए एकदम शैम्पू जैसे एकदम ड्राई। ड्राई मतलब कि जो ऑयल था वो चला गया है, ऑयली ऑयली सा जो लग रहा था हमें वो सब हट के एकदम ड्राई हो गए हैं। अच्छे से आप इसमें हेयर स्टाइल कर सकते हैं, कोई भी आप अपने बालों को खुले भी रख सकते हैं, आप पोनी कर सकते हैं, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा बना देंगे। अच्छे से इसमें फ्रेग्रेंस भी आती है तो ये इरिटेट नहीं करेगी आपको, आई एम श्योर कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इरिटेट हो रहे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। सो बिग थम्स अप, और आई गेस आपको भी ये पसंद आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी कि जिसमें ये कलर है, देखो यार इस तरीके से इसमें ना ये ब्राउन कलर होगा, अब वही वाला लीजिए। अब जो नॉर्मल आता है विदाउट कलर वो मत लीजिए, उससे ना बाल में ना बहुत वाइट वाइट लगने लग जाते हैं, इसलिए आप ये वाला लीजिए। और ये कुछ भी नहीं है, ये एक पाउडर है, देखो आप मैंने लगाया ये हट गया है, ये पाउडर है, इसमें हल्का सा एक कलर कंटेंट है तो काफ़ी फाइन है ना, इसीलिए आपके बालों में दिखता नहीं है और ये फटाफट से बालों में मिक्स हो जाता है और बालों को एकदम ड्राई कर देता है। बाय बाय, टेक केयर।